में 90% से ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स अपना 4000 घंटे का जो वॉच टाइम है, जो एक थ्रेश होल्ड है, वो आखिर पूरा क्यों नहीं कर पाते, इसकी क्या वजूहत हैं? और ज़्यादातर जो चैनल्स हैं 90% के करीब चैनल्स, उनका जो एवरेज वॉच टाइम है वो 2 मिनट से कम क्यों होता है? आखिर उनका टाइम ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ पाता? यानी कि अगर एक वीडियो 10 मिनट की है तो लोग उसको 1 मिनट या 1.5 मिनट या 2 मिनट से कम टाइम में उसको छोड़कर क्यों चले जाते हैं? ये वजूहात भी इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। आखिर हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियोस के फ्लॉप होने की वजूहात क्या होती हैं? उनको पूरा टाइम क्यों नहीं मिल पाता, लोग उसको पूरा क्यों नहीं देखते, और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कौन सी वीडियो सक्सेसफुल है, कामयाब है, और कौन सी वीडियो नाकाम है, और इस हिसाब से हमें क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है। तो इन सारे सवालों के जवाब जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर यूट्यूब चैनल्स गलतियां करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, इनकी वजह से उनका चैनल ग्रो नहीं कर पाता, डेड रहता है, वो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद। मैं हूँ मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार ऑनलाइन में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर 90% से ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स अपना वॉच टाइम जो 4000 है, थ्रेश होल्ड है, वो पूरा क्यों नहीं कर पाते। देखिए, सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि आखिर ये 4000 घंटों का वॉच टाइम थ्रेश होल्ड होता क्या है। जब आप यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं तो हर की ख्वाहिश होती है कि उनका चैनल मोनिटाइज हो जाए, पैसे कमाने के काबिल हो जाए। मोनिटाइजेशन का वर्ड निकला है मनी से, कि आपका चैनल पैसे कमाने के काबिल हो जाए। जब आपका चैनल मोनिटाइज हो जाता है तो इसको कहा जाता है कि आपका चैनल YPP में एंटर हो चुका है, यानी कि YouTube पार्टनर प्रोग्राम, अब आप YouTube के पार्टनर बन चुके हैं। इसका मतलब ये है कि आपके चैनल पर अब जो आमदनी आएगी, यानी कि YouTube आपके चैनल से जो आमदनी कमाएगा, इन्वेस्टर से मुराद ये है कि YouTube आपके चैनल पर एड्स चलाएगा, इश्तहारात चलाएगा, और उधर से जो आमदनी आएगी उसका शेयर आपको भी देगा और खुद भी रखेगा। अब सवाल ये है कि वो शेयर होता कितना है। देखिए, जब YouTube के प्लेटफॉर्म पर आप जब उस पर वीडियोज़ लगाते हैं, YouTube का प्लेटफॉर्म है, आपने वीडियोज़ लगाई, YouTube ने आपको इन्वाइट किया एज ए क्रिएटर, आप इधर वीडियोज़ पोस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ से YouTube इन्वेस्टर्स को कन्विंस करता है, लेकर आता है और दिखाता है कि देखिए हमारे YouTube के प्लेटफॉर्म पर मिलियंस ऑफ चैनल्स हैं, तो आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ऑडियंस है, आप अगर अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे, इश्तिहार चलाएंगे, तो आपको बहुत, आपकी ब्रांडिंग होगी, आपकी सेल्स बहुत इंक्रीज होंगे। तो क्या होता है कि YouTube दोनों स्टेक होल्डर्स को, एक क्रिएटर, YouTube क्रिएटर जो कि आप हैं, हम हैं जो वीडियोज़ बनाते हैं, दूसरी तरफ से इन्वेस्टर है, दोनों को अपने प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करता है। अब जो इन्वेस्टर से पैसे आते हैं, हमारी इस वीडियो के दौरान इश्तिहार चलते हैं, वो इन्वेस्टर के होते हैं, और उधर से जो पैसे आते हैं रेगुलर वीडियोस में जो कि हम बना रहे हैं, जिसका फ्रेम ये इस तरह रेक्ट एंगल शेप में होता है, इसका जो फ्रेम है वो 16 विड्थ होती है और 9 इसकी लेंथ या हाइट होती है, 16:9। तो मुख्तसर तौर पर यूट्यूब क्रिएटर को 55% देता है और 45% खुद रखता है, ये रेगुलर वीडियोस की बात है। अब आ जाते हैं कि आखिर इसका थ्रेशहोल्ड होता क्या है मोनेटाइजेशन का, YPP का। तो इसका थ्रेशहोल्ड जो है वो ये होता है कि आपने आज से पीछे 365 डेज, एक साल नहीं आपने इसको कंसिडर करना, 360 डेज नहीं कहना, ये फिक्स्ड है 365 डेज। तो आपने आज से पीछे 365 डेज के अंदर 4000 घंटे आपके चैनल पर पूरे होने चाहिए और 1000 सब्सक्राइबर्स आपके चैनल पर होने चाहिए। ये दो टारगेट्स होते हैं जो आपको पूरे करने होते हैं विद इन स्पेसिफाइड टाइम, जो कि 365 डेज है। अब आ जाते हैं कि आखिर इसकी वजूहात क्या हैं कि अब लोग, ज़्यादातर लोग यूट्यूब चैनल छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि उनका वॉच टाइम पूरा नहीं हो पाता, बहुत टाइम लग जाता है, साल दो साल लग जाते हैं। तो उसकी सबसे पहली वजह ये नोट कर लीजिए कि इनकंसिस्टेंसी, यानी कि वो कंसिस्टेंट नहीं रहते।
इससे मुराद क्या है? मुराद ये है कि आज से कुछ अर्सा पहले चले जाए तो YouTube पर तकरीबन 5 करोड़ के करीब चैनल थे, 50 मिलियन। आज से तकरीबन 2 साल के करीब पीछे चले जाए तो उस वक्त आप हफ्ते में 2 से 3 वीडियोस पोस्ट करते थे अपने चैनल पर, तो गुजारा चल जाता था, आपका चैनल ग्रो कर रहा होता था। लेकिन अब जो है रिजीम चेंज हो चुकी है, सब कुछ चेंज हो चुका है, बहुत चीज़ें फास्ट हो चुकी हैं। अब 5 करोड़ से 10 करोड़ यूट्यूब चैनल्स हो चुके हैं। इसका मतलब है आपको अपनी क्वालिटी के साथ साथ आपको क्वांटिटी भी मेंटेन करनी है, आपको नंबर ऑफ वीडियोस भी इंक्रीज करनी है। आप पहले 3 वीडियो अगर डालते थे एक हफ्ते में, अब आपको 6 वीडियोस डालनी है, फिर ही आप कंपटीशन में सर्वाइव कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि लोग हफ्ते में 1 वीडियो बनाते हैं या 2 बना ली, जोश में आकर उसके बाद 2 हफ्ते ऑफ रहते हैं, कोई वीडियो नहीं बनाते और उसके बाद फिर इस तरह। ये इरेगुलरिटी जो है वो आपके चैनल को यकीनन वो बहुत पीछे ले जाती है, आपका चैनल ग्रो नहीं कर पाता। सब्सक्राइबर्स को चूंकि कंटेंट की ज़रूरत होती है, वीडियोस की ज़रूरत होती है, और वो क्या करता है, वो फिर दूसरे चैनल्स की तरफ मूव कर जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर आपको सर्वाइव करना है कॉम्पिटिशन में, आपको विन करना है, तो आपको रेगुलर वीडियोस बनानी पड़ेंगी, आपको पीक टाइम के अंदर अपलोड करनी पड़ेंगी, शाम को 6 से रात 12 के दरमियान, और आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। चाहे आप एक दिन छोड़कर वीडियो बनाएं, लेकिन आप अपने अबाउट सेक्शन में अपने कस्टमर्स को आप बताएं कि हम एक दिन छोड़कर और इन डेज में इस टाइम पर हमारी वीडियोस पब्लिश हुआ करेंगे। तो ये सबसे पहला रूल आपने जेहन में रख लेना है कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी वजह यह है कि हमारे जो YouTube चैनल्स हैं ज़्यादातर वो आखिर उनका जो वॉच टाइम है वो 2 मिनट से कम क्यों रहता है, 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट। इसको हम आपको मिसाल के लिए समझाते हैं कि एक वीडियो YouTube पर है वो 10 मिनट की है, लेकिन लोग उसको 30 सेकंड बाद, 40 सेकंड बाद, 1.5 मिनट बाद, 1 मिनट बाद उसको छोड़कर चले जाते हैं। आखिर उसकी वजह क्या है? तो ये आप वजह नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से 4000 घंटे पूरे नहीं हो पाते। उसकी वजह ये है कि आपका जो इंट्रोडक्शन है वो ज़्यादातर 90% चैनल्स का बहुत वीक होता है, वो सेंसेशनल नहीं होता। यानी कि आपको एक हाइप क्रिएट करनी चाहिए, आपको एक एनर्जी के साथ आपको इंट्रो बनाना है, आपको एग्रेशन के साथ वीडियो बनाना है, आपको एंगेजमेंट के साथ वीडियो बनाना है, आपको अपने ऑडियंस को, अपने व्यूवर्स को एंगेज करना है कि वो हिल ना पाए। इसका मतलब है कि आपको पहले वो तमाम पॉइंट्स, 4-5 पॉइंट्स आप डिस्कस करें जो कि आपने पूरी वीडियो में जाके एक्सप्लेन करने हैं, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है। तो आपका सब्सक्राइबर कहीं भी, उसको लगा कि आप इधर वीक हो गए हैं, फ्यू सेकंड्स के लिए वो आपकी वीडियो को वहीं पर बंद कर देगा, या आप अपने टॉपिक से हट गए तो आपकी वीडियो को बंद कर देगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि वीडियो का पहला 30 सेकंड, पहले 30 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत वाइटल रोल अदा करते हैं। आपने अपने ऑडियंस को एंगेज करके रखना है। इससे मुराद ये है कि आपका स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए जो कि आपने फिर डिलीवर करना है। पहले स्क्रिप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, फिर आपकी जो डिलीवरेंस है वो बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी एंगेजमेंट होनी चाहिए, बड़ी सोफिस्टिकेटेड वे में, डिसेंट वे में, बड़े डिसेंट वे में आपने चीज़ों को डिलीवर करना है, अपने ऑडियंस को एंगेज करना है। अब देखिए, आपको थोड़ा सा हम कैलकुलेट करके देते हैं कि देखिए जो 4000 घंटे हैं, अगर उनको मिनट्स में कन्वर्ट करें, 4000 को 60 से मल्टीप्लाई करें, एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो ये 240,000 मिनट्स बनते हैं। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है, प्रोजेक्शन बनानी है, इसको इसकी फिजिबिलिटी बनानी है, अपना टारगेट सेट करना है कि आपकी जो वीडियो है वो कितने मिनट की एवरेज होनी चाहिए। यानी कि अगर तो 2 मिनट आपकी वीडियो को लोग देख रहे हैं एवरेज, ये आपको YouTube स्टूडियो से जाकर पता चलेगा कि 10 मिनट की वीडियो बना रहे हैं तो 2 मिनट तक आपकी वीडियो देखते हैं लोग, तो आपको 120,000 व्यूज चाहिए। अब आप ये कितनी वीडियोस में कवर करते हैं ये भी आपको YouTube स्टूडियो में या इवन वीडियो से देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा। अगर आपकी वीडियो में 10,000 आपको एवरेज व्यूज आ रहे हैं तो आपको 12 वीडियोस में आपको आपका ये वॉच टाइम पूरा हो सकता है। और 12 वीडियोस कब बनेंगी आपकी? अगर आप एक दिन छोड़कर एक वीडियो बना रहे हैं
हफ्ते में 3 वीडियोस बना रहे हैं, तो इसका मतलब है 3x4, यानी कि आपको जो 12 वीडियोस हैं आपको एक महीना लगेगा। एक महीने के अंदर आप 4000 घंटे पूरा कर सकते हैं, 1,20,000 मिनट पूरा कर सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में चलें, आप 2 मिनट से आप अपने वॉच टाइम को 3 मिनट तक लेकर आए कि मैंने अपने जो ऑडियंस है 3 मिनट तक उनको एंगेज करके रखना है, मेरा स्क्रिप्ट इतना स्ट्रांग होना चाहिए, तो फिर क्या होगा, तो ये फिर 80,000 व्यूज चाहिए आपको। अगर 10,000 एवरी व्यूज आपकी वीडियो पर, तो आपको 8 वीडियोस चाहिए। 8 वीडियोस से मुराद है अगर हफ्ते में 3 वीडियोस बना रहे हैं तो आपको 2.5 हफ्ते तकरीबन लगेंगे, 2 हफ्ते और कुछ दिन लगेंगे, विद इन समझ लीजिए 15 से 20 दिन। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका वॉच टाइम आप कैसे उसको इस थ्रेशोल्ड को, इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने आपको एक चीज बताई है, कैलकुलेशन बताई है, आपने इसी पे रहकर आपने अपनी चीजों को मैनेज करना है। लेकिन शर्त ये है कि आपकी रेगुलरिटी रहे, कंसिस्टेंसी रहे, और उसके साथ ही आप इस चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तीसरा सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फिर ज्यादातर चैनल्स ब्लंडर करते हैं, वो ये है कि वो एक वीडियो बनाते हैं, लेट से किसी भी टॉपिक पर। क्या होता है कि वो अपने चैनल के एनालिटिक्स नहीं देखते, अपने स्टैट्स नहीं देखते, जो कि YouTube स्टूडियो में जाकर उनको इजीली इवन डैशबोर्ड से भी पता चल जाएगा उनको। तो आप उनको जाकर अपनी एनालिटिक्स में आप राइट साइड पे जो आपकी ऑप्शंस होती है, कंटेंट होता है, कमेंट होता है, उसके नीचे ऑप्शंस होती हैं, उसमें जाकर आप एनालिटिक्स को देख सकते हैं कि आप कहाँ पे खड़े हैं, आपकी वीडियो को कहाँ से देखा जा रहा है। मिसाल के तौर पे जो एक ब्लंडर करते हैं, नंबर वन वो ये होता है कि मिसाल के तौर पे एक वीडियो है, उस वीडियो को अमेरिका में बहुत देखा जा रहा है। एक वीडियो आपने बनाई, एज्यूम कीजिए कि आपने अमेरिकन्स को वो वीडियो बहुत पसंद है, उनके कल्चर के हिसाब से आपने वीडियो बनाई, लेकिन आप एनालिटिक्स नहीं देखते। लेकिन आप क्या करते हैं, आप फिर दोबारा पाकिस्तानी कल्चर पर वीडियो बनाने शुरू कर देते हैं, हालांकि आपको वो अमेरिका के लिए जो बनाई थी उस पर आपको बहुत सारे थाउजेंड्स व्यूज मिले, लेकिन आपको, आपने उस चीज़ को इग्नोर किया, आप बिल्कुल अनअवेयर थे अपने एनालिटिक्स से, आपको पता नहीं था इन चीज़ों का। तो आपने क्या किया, आप अनइंटेंशनली आप कभी पाकिस्तान के लिए वीडियो बना रहे हैं, कभी दूसरे टॉपिक पे बना रहे हैं, हालांकि आपको यूट्यूब एक डायरेक्शन सेट करके दे रहा है। अगर आपने अपने चैनल को ग्रो करना है तो इस वीडियो को, जो कि अमरीका में ज़्यादा देखी गई, आपको व्यूज़ मिले, आपको वॉच टाइम भी ज़्यादा मिला है, तो आप इसी तरह की वीडियोस बनाएं। YouTube का कहने का मकसद ये है, एनालिटिक्स का मतलब ये है, इसका मतलब है कि आपको उसकी एपिसोडिक वर्जन बनाने चाहिए, Part 1, Part 2, Part 3, जो कि वीडियो कामयाब हुई आपकी, जिसपे ज्यादा व्यूज आएंगे। इसका मतलब है कि आपको अपनी वीडियोस की नब्स को देखना पड़ेगा, आपको अपनी वीडियो का रिदम देखना पड़ेगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। होता यही है, ज्यादातर चैनल्स वीडियो बनाई है, अच्छे भले उस पर व्यूज आ रहे हैं, फिर वो इस डायरेक्शन में चल पड़ते हैं, तीसरी वीडियो बनाते हैं वो इस डायरेक्शन में चल पड़ते हैं, वो जो देखते हैं लोगों को देखकर वो उसमें वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। नहीं, हर शख्स की, हर बंदे की अपनी ट्रेड्स होते हैं, अपने फीचर्स होते हैं, अपनी क्वालिटीज होती हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक टॉपिक पे, लेट्स से वॉच टाइम पे मैं ज्यादा बोलता हूँ, अच्छा बोल सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरी उस वीडियो को अच्छे व्यूज भी मिले हैं, उस पर सब्सक्राइबर्स भी मैंने गेन किए हैं, और मैंने वॉच टाइम भी मुझे मिले हैं, और अगर मैं इसी पेस को बरकरार रखूंगा तो यकीनन मेरी वीडियो जल्दी वॉच टाइम कवर कर लेगी, मुझे पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे और मेरा चैनल भी ग्रो करेगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं क्या हर बार मैं डिफरेंट वीडियो बनाता हूँ, और क्या होता है कि मुझे खुद नहीं, हमें खुद नहीं समझ आती कि हमें अब करना क्या है। आखिरकार फिर क्या होता है कि डिसअपॉइंटमेंट होती है, फिर आपकी वीडियो बनाने की रफ्तार कम हो जाती है कि जी हमारी वीडियो तो कोई देखता नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने एनालिटिक्स पर नज़र रखनी है, हर वीडियो के बाद आप अपनी वीडियो के तमाम स्टैट्स देखें, फिगर्स देखें, स्टैट्स देखें कि आखिर आपका चैनल किस डायरेक्शन में जा रहा है, यूट्यूब आपको क्या रिकमेंड करता है, और इस पर ज़रा इन्वेस्टिगेट करें, इस पर रिसर्च करें, अपना एक अपने गोल सेट करें कि मैंने अब इन चीज़ों पर वीडियोज़ बनानी है। इसी तरह से अगर आपको, आपने व्यूज पे वीडियोस बनाई है, आपने अच्छी बनाई है, आपने डिलीवर किया, वॉच टाइम पे वीडियो बनाई है, आप उसकी एपिसोड बनाएं, इसका मतलब है लोग इसको पसंद कर रहे हैं। ये मत कीजिए कि एक वीडियो बनाई और फिर दूसरे टॉपिक पे चेंज कर ली, फिर तीसरे पे कर ली, ये गलत हो जाएगा। आपको अपने चैनल की नब्स को देखना पड़ेगा।
होप के आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। अगर सीखा है तो नीचे कमेंट में बताइए, और इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन दुनिया के किसी भी हिस्से में है, कोने में है, कोई भी आप कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो राकीजार इंस्टीट्यूट आपको ये सर्विसेज देता है। घर बैठे आप हमसे कोई भी कोर्स कर सकते हैं, गेस्ट पोस्टिंग का कोर्स जिसको GBO भी कहते हैं, यूट्यूब मास्टर क्लास कोर्स, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इवन आपके घर में, पाकिस्तान में, UK, USA में है, आपके अगर बच्चे हैं, टीनएजर्स हैं, तो हमारी इंस्टीट्यूट, हमारा इंस्टीट्यूट वो सर्विसेज भी देता है कि आप अपने बच्चों को अभी से डिजिटल मार्केटिंग तमाम कोर्सेज जो है उनमें आदत डालिए, उनको सिखाइए, ताकि वो जल्दी छोटी उम्र में ही वो ये स्किल सीख कर स्किलफुल हो जाए और पैसे कमाने के काबिल हो जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।